What is an independent judiciary? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. आप सोचो अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन, पावर रखने वाले पॉलिटिशियन ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया है. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. अब इस judicial system में जो एक पॉलिटिशियन होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो रख भी सकता है या निकाल भी सकता है किसी भी जज को उसके ऑफिस से. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. जब आप अपना केस जो है आप कोर्ट में लेके गए तो वहां क्या हुआ कि जज जो है उसने पार्शियलिटी कर दी और पॉलिटिशियन का फेवर कर दिया. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. अब ये जो पॉलिटिशियन का कंट्रोल था जज के ऊपर, इससे क्या हुआ कि जज जो है अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए. दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन. अब क्योंकि जज को कोई आजादी नहीं थी अपने आप डिसीजन लेने की, इस वजह से क्या हुआ कि जज को जितने भी जजमेंट्स, जितने भी न्याय करने थे, ऑर्डर्स देने थे, सब के सब जो है पॉलिटिशियन के फेवर में जा रहे थे. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, हमने कई बार देखा है, कई बार सुना भी है कि बहुत से जो रईस या अमीर और ताकतवर लोग होते हैं इंडिया में, वो ज्यादातर जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह की सिचुएशन से बचाने के लिए जुडिशरी को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया है. वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स. सबसे पहला एस्पेक्ट जो इसकी आजादी का है वो ये है कि इनकी पावर्स बिल्कुल अलग है. दिस एस यू रेड इन चैप्टर वन इज अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी आपने पढ़ा था चैप्टर वन में कि ये सबसे बड़ा की फीचर माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. What this means here is that other branches of the state like the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी जो दो अलग अलग branches हैं state के अंदर, legislature और executive, ये judiciary के काम में कोई भी interference नहीं करेंगी. The courts are not under the government and do not act on their behalf. ये जो courts हैं ये government के under नहीं आती और ना उनके according act करेंगी. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. अब इनका जो काम है वो तो अलग करना ही है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जितने भी जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट को, उनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें भी ये जो दूसरी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, इनकी बहुत कम इंटरफेरेंस होती है. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. एक बार अगर किसी ऑफिस में जज अपॉइंट हो गया तो फिर उसको हटाना भी बहुत मुश्किल है. It is the independence of the judiciary that allows the court to play the central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. अब ये जो फ्रीनेस दी गई है judiciary को, इसी वजह से जो courts हैं वो एक बहुत important role play करते हैं इस बात को ensure करने में कि कोई भी power जो है उसका misuse ना हो, चाहे वो legislature के द्वारा हो या executive के द्वारा. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. और ये एक important role इसलिए भी play करता है क्योंकि ये जो है हर citizen की जो fundamental right है उसको protect करता है और कोई भी जो है court में जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है. What is the structure of the courts in India? There are three different levels of court in our country. हमारे country में तीन अलग अलग लेवल के कोर्ट्स हैं. देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल व्हाइल देयर इज ओनली वन कोर्ट एट द अपेक्स लेवल. बहुत सारे कोर्ट्स हैं लोअर लेवल पे लेकिन सबसे टॉप लेवल पे खाली एक ही कोर्ट है. द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ज्यादातर लोग जिन कोर्ट्स में जाते हैं वो जो है सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और द तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड दे मे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस.
अब ये जो है ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे होते हैं या फिर टाउन्स में होते हैं और इनके अंदर कई तरीके के केसेस जो है उनकी सुनवाई होती है. Each state is divided into districts that are presided over by the district judge. हर स्टेट जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है और उनके ऊपर जो है एक डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं. Each state has a high court which is the highest court of that state. हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जो कि उस स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है. And the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. सबसे टॉप पे आते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है और उस पे जो है चीफ जस्टिस बैठते हैं इंडिया के. The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. एक बार जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया फिर वो हर कोर्ट में इंडिया के लागू होता है.